अभिनेता मानतुल्ला खान का आरोप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मस्जिदों को हो रहा है नुकसान, प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, इमाम ने बताया अफवाह। गाजियाबाद के जसना मंदिर के महंत यति नरसिंह नंद पर कातिलाना हमले की साजिश, मंदिर में घुसे दो युवक कसीफ और कासिफ का जीजा गिरफ्तार। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर विवादित बयान देने वाले AIMIM नेता पर कार्रवाई, पुलिस ने नाजिम अली के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के रोहिणी में पड़ोसी युवक ने महिला पर किया चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, महिला की हालत नाजुक। 5 जून को कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे राकेश टिकैत, बीजेपी सांसदों का करेंगे घेरा। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का दावा, दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन रिंद शिफ्ट कराना चाहती है सरकार, कहा किसी भी कीमत पर नहीं शिफ्ट होगा आंदोलन। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक पर सबकी नजर, ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। CSIR की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति समेत कई वैज्ञानिक बैठक में लेंगे। बाजी के खिलाफ जूही चावला की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, बीते बुधवार को कोर्ट ने याचिका को दिया था दोषपूर्ण करार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वैक्सीन को लेकर हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का है आरोप। अगस्त से पहले आ सकता है 12वीं का रिजल्ट, CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने दी जानकारी। मुंबई बीएमसी कमिश्नर का वैक्सीनेशन सेंटर से राजनीतिक बैनर हटाने का आदेश, नहीं हटाने पर की जाएगी कार्रवाई, सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पोस्टर बैनर्स की भीड़। मुफ्त यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल, देश भर में चलाया जाएगा अभियान, सांसद विधायक लेंगे हिस्सा, राष्ट्रपति कोविंद को सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली में आज से RSS की 3 दिवसीय बैठक, कोरोना महामारी, बंगाल में चुनावी हिंसा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। थाने के बल्दापुर में एक कंपनी से गैस का रिसाव, आसपास के घरों को लोगों को घरों से निकालने की सलाह दी गई। पटना के मरेर में दुकान में आग से मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक, घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई। लखनऊ के पौष काला कांकर मोहल्ले के कई घरों में मकान बिकाव है के लगे हैं पोस्टर, अवैध बस्ती में रहने वाले लड़कों पर लड़कियों से छेड़खानी का ख्याल। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने इनामी बदमाश हर्ष उर्फ काले को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूटी गई गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के एटा में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। झारखंड के गढ़वा में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो ट्वीट कर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। बिहार के मधेपुरा में एक युवक को गांव के ही एक लड़की से प्यार करना पड़ा महंगा, युवक की खूंटे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। पटना में मजिस्ट्रेट के साथ दुकानदारों ने किया हाथापाई, लॉकडाउन नियमों का पालना के लिए मीठापुर मंडी पहुंचे थे मजिस्ट्रेट। बिहार के नालंदा सदर अस्पताल में अटेंडेंट की बहाली के लिए इंटरव्यू के दौरान हंगामा देखने को मिला, एक युवक और युवती आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बिहार के नवादा में 2 दर्जन लोगों ने एक परिवार पर किया हमला, मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के संबल में अवैध तमंचे से फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल, जमीन विवाद में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बार बालाओं का डांस वायरल होने के बाद मामला हुआ दर्ज, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी थी धज्जियां। MP के सागर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ब्लास्ट करके किया डिफीट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जमीन विवाद में चली गोली, एक शख्स की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए। MP के इंदौर में कुत्ते को गोली मारने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपनी लाइसेंसी राइफल से कुत्ते को मारी थी गोली। कोविड के इलाज में कारगर साबित हो सकती है प्राकृतिक और आध्यात्मिक पद्धति, ऋषिकेश एम्स में हो रहा है रिसर्च। यूपी के शाहजहांपुर की ऑक्सीजन वाली बेटी होम आइसोलेट, कोरोना मरीजों को अपनी स्कूटी से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाती है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50% गांव कोरोना फ्री हुए, पीएम मोदी के गोद लिए गांव भी कोरोना मुक्त। गया मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को बीच डॉक्टर्स और नर्सेस ने किया डांस, मरीजों में तनाव दूर करने का अनोखा तरीका। मुंबई के गोरेगांव में कोविड सेंटर के स्टाफ ने जमकर किया डांस, तनाव दूर करने के लिए PPE किट में ही डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नाचते हुए नजर आए। कश्मीर के 2 युवकों ने बनाया सस्ता इंटरनेट सुविधा युक्त बहुउद्देश्य वेंटिलेटर, मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर रख सकते हैं मरीजों पर नजर। हैदराबाद के कोविड सेंटर में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई, मरीजों की सुविधा के लिए खास तैयारी। चंडीगढ़ में कोविड अस्पताल के ICU में एडमिट हुए मल्खा सिंह, ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद हुए भर्ती। महाराष्ट्र में 5 फेज में होगा अनलॉक, जहां 5% पॉजिटिविटी रेट वहां मिलेगी राहत।
5% से कम संक्रमण दर होने के बाद भी अनलॉक नहीं होगा मुंबई, 15 जून के बाद बीएमसी लेगी फैसला। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 846 नए मामले आए सामने, 50 मरीजों की मौत। एमपी में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वैक्सीनेशन में मिलेगी प्राथमिकता, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर फैसला। तमिलनाडु में 24 घंटे में 24,405 कोरोना संक्रमित पाए गए, 407 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 14 जून तक रहेंगी पाबंदी। कोरोना की मार के बीच महंगाई की छलांग, 4900 रुपए प्रति टन महंगी हुई स्टील, कंपनियों ने 2 दिन में बढ़ाया दाम। अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचना चाहती है सरकार, इससे कम होगा प्रदूषण। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक होटल में लगी भीषण आग, करीब 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीन में गजवा चुका आतंक, यूनान प्रांत के कुनमिंग शहर पहुंचे हाथियों के झुंड के चलते बंद किए गए रास्ते, लॉकडाउन जैसे हुए हालात। मैक्सिको में खेत के बीचों बीच निकला 300 फीट का गड्ढा, रिपोर्ट के मुताबिक पहले गड्ढा 15 फीट का था और अब लगातार बढ़ता जा रहा है।